मुंबई में एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इस बयानबाजी से महाराष्ट्र ही नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। विपक्षी दल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार को घेर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो काफी वायरल है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या बेहद दुखद और दंडनीय। मेरी संवेदनाएं परिजनों और उनके समर्थकों के साथ है। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ये हत्या एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है कि जो सरकार अपने ही नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएगी, वो भी तब जब कुछ समय पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी भी मिली थी। नगीना सांसद ने बाकी विपक्षी नेताओं की तरह बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा दी और महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सवाल पूछ लिया कि जो सरकार अपने नेताओं की सुरक्षा ठीक ढंग से नहीं कर सकती, वो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। यानी चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा दिया। साथ ही साथ इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख भी जाहिर किया। बता दें कि दशहरे के दिन देर शाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे और कांग्रेस के विधायक जिसान सिद्दीकी के ऑफिस से निकलकर घर की तरफ रवाना हुए, उसी समय उन पर शूटर्स ने अटैक किया, जिसमें 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि शूटर्स को आदेश देने वाले जिशान अख्तर की तलाश तेज है। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस हत्याकांड ने बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे वो कैसे निपटेगी ये बड़ा सवाल है।